से खबर। बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया गया है, जहां संकल्प पत्र की थीम पीएम मोदी की गारंटी है। जहां बता दें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में आखिरकार क्या कुछ खास है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझने की कोशिश की क्या है भाजपा के इस संकल्प पत्र में। तो संकल्प पत्र में देखिए खास ये है कि आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दी गई है। तो गरीबों के लिए क्या कुछ खास है, अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन की बात कही गई है। पीएम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल भी आने की बात कही संकल्प पत्र में डाली गई है। वहीं आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मध्य वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी संकल्प पत्र में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि युवाओं के लिए खास ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात बीजेपी के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में डाली गई है। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये बड़ी अपडेट, जहां 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की बात भी कही गई है। तो युवाओं के लिए खास बात, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप के नए मार्ग खोलने की बात, खेल, हाई वैल्यू सर्विस और पर्यटन की नई नीति होने की बात भी कही गई है। तो युवाओं और गरीबों के लिए काफी कुछ खास। अब महिलाओं पर एक नजर डालते हैं, जहां नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़ करके नए अवसर देने की बात कही गई है। तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पर विशेष ध्यान देने की बात संकल्प पत्र में शामिल की गई है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। तो महिलाओं के लिए खास है। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा के किसान रामवीर को संकल्प पत्र दिया। वहीं रामवीर ने संकल्प पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं इंडिया न्यूज ने किसान रामवीर से खास बातचीत की। रामवीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको संकल्प पत्र दिया है, क्या कहेंगे रामवीर जी? हम तो बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने हम बुलाए और भाई बुला के सम्मान किया और बढ़िया कर रखा है किसानों के साथ, अच्छी योजना चला रखी है। हमारे खातर पहले माल बेच के आ रहे थे भाई, बिना में दो बिना हमारा कुछ खर्चा कट के जब हमने पैसा मिल लिया करता, इस सीधा खाता में आए हैं। और जो यो किसान क्रेडिट कार्ड था, यो 2 लाख रुपए का था, मैं 4 किले का जमींदार हूँ, मेरा 8 लाख का हो रहा है, जरूरत हो जब ले लिया फिर भर दिया। और जो किसान समिति योजना बना रखी है, 6000 रुपया साल का मिल रहा है, अपना तेल लिया, ट्रैक्टर का तर भाई खाद लिया, बीज लिया, बड़े खुश हैं हम। मतलब किसान खुश हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का मन नहीं मेरा भाई, मैं किसान हूँ मैं खुश हूँ। मैं हरियाणा का हूँ, झज्जर जलाता हूँ, मैं खुश हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की आपसे? पूछ रहा था कैसे हो आप किसान हो, जी खुश हो, खुश हैं और आपकी नीतियां तो और खुश हैं। और निमंत्रण दिया था मैंने प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री ने आज जो किसानों के लिए बोला है, चाहे छोटे किसान हो, मंझले हो या बड़े किसान के लिए, कि अगर हमारी सरकार आती तो और हम योजनाएं लाएंगे। हाँ बोला है, बढ़िया है, क्योंकि ये संकल्प पत्र आपको दिया है उन्होंने। हाँ इसमें सारी बातें हैं, सारी बातें और पढ़ेंगे और क्या। और इसे लेकर के हरियाणा में आ जाएंगे, किसानों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, रोई भाई आप मीडिया वाले आप अपन बताओ अंग्रेजों, और हम भी बतावेंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामवीर जो किसान थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको संकल्प पर दिया है और ये कहा है कि किसानों के लिए मोदी सरकार काफी फायदेमंद साबित हुई है और किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली।